अच्छा जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें हमने लास्ट टाइम डाइजेक्स्ट्रा को डिस्कस किया था। तो डाइजेक्स्ट्रा के अंदर हमारे पास एक ड्रॉबैक ये आया था कि वो नेगेटिव वेटेड जो एजिस थे उनको वो जो एजिस थे उनको वो डील नहीं करता था, यानी कि जिनकी कॉस्ट नेगेटिव आते थे। अब हमारे पास उस सोल्यूशन का उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हम बेसिकली बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या नेगेटिवेटेड जो एजेस है उनको भी अकोमोडेट कर सके। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स है। तो लास्ट में हम एग्जांपल के इस ड्रॉबैक को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स आते हैं यूजिंग बेलमैन फोर्ड अगर हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है बच्चों वो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मेरे पास कुछ 7 डिफरेंट एजेस हैं, वर्टिक्स है 1, जिसको मैं सपोज टू बी स्टार्टिंग वर्टिक्स कह लेता हूँ। मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह मैं 5, एक 6 ले लेता हूँ, और एक है डेस्टिनेशन वर्टिक्स या लास्ट वर्टिक्स जो है वो मैं 7 ले लेता हूँ। अब इसमें हम इनके जरा पोजीशंस को मैप कर लेते हैं, फिर इनकी कॉस्ट लिखते हैं। इनकी हम डिफरेंट कॉस्ट 6, 5, 5 यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, इसकी भी कॉस्ट हम 1 लिख लेते हैं, -2, -2, -1, इसकी 3, इसकी हमारे पास कॉस्ट करने 3 है। ये बेसिकली हमारे पास एक बच्चों ग्राफ गिवन है, हमने इसके ऊपर क्या करना है, बेलमैन फोर्ड जो है वो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना है। अब बेलमैन फोर्ड इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो इस ग्राफ को हमने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम से भी सॉल्व किया था, लेकिन इसमें आप देखो कि 2 to 5 हमारे पास नेगेटिव वेट है इसकी कॉस्ट, फिर इसके बाद हमारे पास 3 to 2 इसकी भी नेगेटिव है, 4 to 3 इसकी भी नेगेटिव कॉस्ट आ रही है, फिर इसके बाद 4 to 6 इसकी भी नेगेटिव आ रही है। तो हम इन सारे नेगेटिव वेटेड जो है हमारे पास बेसिकली जो कॉस्ट आती है U to V, यानी कि फोर हम इसको यू कह लेते हैं, लास्ट टाइम भी हमने कहा था और इसको वी कह दिया, तो यू और वी, तो कॉस्ट ऑफ यू एंड वी जो है वो नेगेटिव है, कॉस्ट ऑफ यू एंड वी नेगेटिव है, कॉस्ट ऑफ यू एंड वी नेगेटिव है, कॉस्ट ऑफ यू एंड वी नेगेटिव है। अब हमने करना क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जी हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि जी हमने जो रिलैक्सेशन यूज करनी है, रिलैक्सिंग करना है हमने डिफरेंट हमने एजेस को, तो वर्टिसेस को, तो इसका मतलब क्या है जी कि हमने जितने वर्टिसेस को रिलैक्स करना है हमें कैसे पता चलेगा इस ग्राफ को देखे कि टोटल नंबर ऑफ रिलैक्सेशन कितनी आएंगी। तो इसका बेसिकली बच्चों रिलैक्सिंग जो एजेस हैं वो हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि हमारे पास आएंगे तो N-1 टाइम्स, यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलैक्सेशन रहेगी, यहाँ इसको लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो रिलैक्सेशन आएंगी वो कितनी आएंगी। अब टोटल नंबर ऑफ रिलैक्सेशन जितने भी हमारे पास ये वर्टिसेस है ये एन वो हमारे पास क्या आएंगी, इसकी रिलैक्सेशन आएंगी। ठीक है, तो इसको ये बात समझ आ गई बेटा कि टोटल नंबर ऑफ जो रिलैक्सेशन है कितनी है हमारे पास, जितने हमारे पास ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हैं उसमें से 1 माइनस कर लें तो जी वो हमारे पास उतनी नंबर ऑफ रिलैक्सेशन आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, वो हमारे पास आप देखो 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 7 पे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस किसके इक्वल है, एन के, और एन कितना है हमारे पास 7 है, हमारे पास कितनी वर्टिसेस है यहाँ पे 7 वर्टिसेस आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी कि वर्टिसेस -1, वर्टिसेस -1, तो ये वर्टिसेस 7-1, इसका मतलब है 6 नंबर ऑफ जो है वो हम रिलैक्सेशन यूज कर सकते हैं। पास 1 में हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है, पास 2 में रिलैक्सेशन, एंड सो ऑन अंटिल अनलेस हम इस तरह से रिलैक्सेशन यूज करते चले जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास देखो बच्चों रिलैक्सेशन, हमने लास्ट टाइम जब रिलैक्सेशन को पढ़ा था तो रिलैक्सेशन में हमने ये बात देखी थी कि जी हमारे पास फार्मूला क्या है रिलैक्सेशन का, तो रिलैक्सेशन के फार्मूला को भी जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन हम किस तरह से लिखते थे, किसी को याद है रिलैक्सेशन का फार्मूला क्या था, कि हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे रिलैक्सेशन के लिए,
इसमें बच्चों हमारे पास क्या होता था, इफ अगर हम बात करते थे, इफ डिस्टेंस ऑफ यू ठीक है प्लस हमारे पास कॉस्ट ऑफ यू एंड बी, ठीक है डिस्टेंस ऑफ यू एंड कॉस्ट ऑफ यू एंड बी, लाइक दिस अगर मैं कह दूं ये यू है और ये बी है, तो हम क्या कहते थे कि जी डिस्टेंस ऑफ यू एंड कॉस्ट ऑफ यू एंड बी ये क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, लेस देन है अगर डिस्टेंस ऑफ बी से, ठीक है तो फिर हम क्या करते थे, हम उस वर्टिक्स को रिलैक्स कर देते थे, उस एच की जो वैल्यू थी तो उसको हम क्या करते थे कि जी डिस्टेंस ऑफ बी हमारे पास जो था वो किसके इक्वल था, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू एंड बी, तो इस तरह से हम क्या करते थे इसको रिलैक्स कर देते थे, ठीक है याद आया बच्चों आप लोगों को, तो ये फार्मूला हम यूज करते थे फॉर रिलैक्सेशन। जी बेटा समझ आ रही है सबको, जी बच्चों समझ आ रही है, जी सर आ रही है। ओके इसके बाद बच्चों हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमने एड्स की लिस्ट लिखी है, यानी कि लिस्ट ऑफ एजेस। अब लिस्ट ऑफ एजेस अगर हमारे पता होंगे, यानी कि एड्स क्या है, यू एंड बी, तो हमारे पास यहाँ पे कह देते हैं जी कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एजेस। अब आप देखो एजेस कौन कौन से, यानी कि जिस नोड से, यानी कि जिस वर्टिक्स से दूसरी वर्टिक्स की तरफ जो पास आ रहे हैं वो हमारे पास टोटल क्या होंगे, एजेस होंगे। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, पहला एज क्या आ रहा है, 1 to 2, 1 to 2, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 to 3, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 to 4, एक 1 से इनकी तरफ 2, 3 and 4 की तरफ हमारे पास 3 एजेस आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास है 2 to 5, 2 to 5 हमारे पास कौन से, 2 to 5, 2 to 5, फिर आप देखो 2 से ऑनवर्ड किसी की तरफ पास है, 9, अब आप देखो 3 to 2 and 3 to 5, ठीक है। फिर इसी तरह 4 पे आ जाओ, हमारे पास 4 to 3 and 4 to 6, ठीक है। फिर हमारे पास 5 पे आ जाओ, 5 से सिर्फ एक ही वर्टिस है, वो क्या है हमारे पास, एज है 5 to 7, और हमारे पास क्या है, 6 to 7, ये हमारे पास लास्ट है। तो हम ये टोटल नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह ही हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह ही हम यहाँ से देख लेते हैं कि जी ये 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए बेटा, हमारे पास ये आ गए हैं 10 एजेस आ गए। अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने हर पास 1, यानी कि हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलैक्सेशन कितनी थी, n माइनस 1 हमारे पास थी, तो n कितना था, 7 था, तो 7 माइनस 1, 6 हमारे पास पासेस आएंगे जिसके अंदर हम रिलैक्सेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप देखो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम सिर्फ 6 पासेस तक ही रिलैक्सेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेलमैन फोर्ड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि बेलमैन फोर्ड जो है वो 6 के बाद 7 हमारे पास पास पे भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, 8 पे भी कर रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव वेटेड जो है वो साइकिल पड़ा हुआ है जिसकी जो हमें वेट मिलता है वो नेगेटिव वैल्यू मिलता है। अगर कोई एक ग्राफ के अंदर ऐसा आपको साइकिल मिले जिसका वेट नेगेटिव आए, नेगेटिव वैल्यू आए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ रिलैक्सेशन डिपेंड कर रही है पाजेस के ऊपर, तो आपकी उस जो आपने कैलकुलेट किए हैं पाजेस उससे ग्रेटर टाइम के अंदर वो उनको कैलकुलेट करता है, यानी कि उनको रिलैक्स करना शुरू कर देता है, हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टोटल 6 पाजेस फाइंड आउट किए हैं तो सिर्फ 6 के अंदर उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, उसको 6 के अलावा नेक्स्ट जो पाज है उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए किसी भी वर्टिक्स को। तो अगर वो देता है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा साइकिल पड़ा हुआ है ग्राफ के अंदर जिसका जो वेट है हम कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आता है, तो इस वजह से ये परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम इसको 1 by 1 चेक कर लेते हैं कि किस तरह से, अब आपने देखना है कि जी हमारे पास क्या है, हमने 1 से बात शुरू की है, 1 हमारे पास क्या है, सोर्स वर्टेक्स है, और टूवर्ड ऑनवर्ड हमारे पास जो है वो वैल्यू, तो हम कहते हैं सोर्स वर्टेक्स का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या, ठीक है।
इंक्रीमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पार्ट वन, पार्ट वन में आपने जो नंबर ऑफ एजेस लिखे हैं आपने इनको यहाँ पे चेक करना है, और आपने चेक करना है कि क्या ये इस फॉर्मूला को कम्पीट कर रहे हैं। अगर तो ये फार्मूला को कम्पीट करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू चेंज कर देनी है और इनको रिलैक्स कर देना है। अब आप देखो यहाँ से सपोज करो कि जीरो से हमारे पास टू, ये U है और ये क्या है, V वर्टिस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है अपने रिलैक्सेशन फॉर्मूला में कि जी क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, फिर इन्फिनेट की वैल्यू हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि जी हमारे पास इस डिस्टेंस ऑफ U, U की डिस्टेंस क्या है, जीरो है, एंड कॉस्ट ऑफ U एंड V क्या है, सिक्स है। जीरो प्लस सिक्स हमारे पास क्या आता है, सिक्स आता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि जी जो हमारे पास वैल्यू आती है दिस वन, अब आप देखो कि ये V है, तो V की जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू भी। तो आप देखो कि जी डिस्टेंस ऑफ यू जीरो, कॉस्ट ऑफ यू भी हमारे पास क्या आ गई, सिक्स। तो एक हमारे पास क्या गया, जीरो प्लस सिक्स, क्या ये लेस देन है हमारे पास। अब ये देखो वी है, वी की कॉस्ट क्या है, इन्फिनिट है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास सिक्स है, सिक्स लेस देन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू होती है ट्रू होती है तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो वी की जो वैल्यू है वो उसको कौन सी वैल्यू साइन कर देनी है, जो आपने डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट निकाली थी। इसका मतलब क्या है कि जी ये इन्फिनिटी किससे रिप्लेस हो जाएगा, सिक्स से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि सिक्स जो है वो लेस देन है इन्फिनिटी से। तो फिर आपने वी को वो वैल्यू साइन करनी है जो आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू एंड वी। जी बच्चों इस बात की समझ आई है आप लोगों को कि किस तरह से कैलकुलेट किया है हमने। थैंक यू यस सर, कि ये कैसे इन्फिनिट से सिक्स पे गया है। अब इसी तरह देखो, ये हमारे पास वन यू है और थ्री वी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जीरो प्लस हमारे पास कॉस्ट ऑफ यू एंड वी क्या है, फाइव है। ये किससे होनी चाहिए, लेस देन। अब थ्री की वैल्यू क्या है, इनिशियली इन्फिनिट है, इसका मतलब है फाइव लेस देन इन्फिनिटी, देन डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन्फिनिट को चेंज करके यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, फाइव। तो यहाँ पे देखो इसको मैं वैसे रेस कर देता हूँ इन्फिनिट को, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सिक्स आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये यू है और ये वी है, तो हमारे पास क्या होगा, जीरो प्लस फाइव, फाइव आ जाएगा, फाइव लेस देन इन्फिनिट, डेफिनेटली आंसर ट्रू है। तो जी हमने क्या करना है, इस फोर की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, फाइव के साथ, ठीक है। इसका मतलब है वन टू टू हमने रिलैक्स किया, वन टू थ्री हमने रिलैक्स किया, वन टू फोर हमने रिलैक्स कर दिया। अब हमने क्या चेक करना है, टू टू फाइव, टू टू फाइव, देखो कॉस्ट क्या है हमारे पास, सिक्स है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ यू क्या है, सिक्स है, कॉस्ट ऑफ यू एंड वी क्या है, माइनस वन, ठीक है। क्या ये लेस देन इन्फिनिटी है, हमें चेक करना है क्या आता है, फाइव आता है, फाइव लेस देन इन्फिनिटी, क्या जी कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या जी, इस इन्फिनिट की जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या जी, हमने फाइव, टू टू फाइव भी हमने रिलैक्स कर दिया। जी बच्चों यहाँ पे समझ आइए। यस सर। ओके आगे हमने बच्चे चेक करना थ्री टू टू, थ्री टू टू, थ्री की क्या है हमारे पास बच्चे, फाइव, फाइव हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ यू एंड वी क्या है, माइनस टू, आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये चेक करना है लेस देन इन्फिनिटी है तो क्या आएगा आंसर, थ्री, थ्री लेस देन इन्फिनिटी, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या है जी कि हमने टू टू थ्री, यानी कि हमने क्या करना है, इसको रिलैक्स करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास ये जो कॉस्ट आ रही है ये फाइव की, तो इसका मतलब क्या है जी कि हमने सिक्स को रिलैक्स करना है, तो सिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे थ्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। इसके बाद यहाँ पे चेक करो, टू टू थ्री हो गया, थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव, थ्री क्या है हमारे पास, कॉस्ट क्या है, फाइव, कॉस्ट ऑफ यू एंड वी क्या है, वन प्लस वन, ठीक है। क्या ये लेस देन हमारे पास इस डिस्टेंस के है, फाइव के, तो इसका मतलब सिक्स है, सिक्स लेस देन फाइव, कंडीशन फॉल्स है, नो चेंज, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब हमने चेक करना है फोर टू थ्री, फोर टू थ्री भी अब आप देखो, यदि फोर टू थ्री हमारे पास क्या है, फोर हमारे पास है फाइव प्लस, यानी कि माइनस टू, ये हमारे पास लेस देन होना चाहिए किससे, फाइव से, ठीक है, वो आपकी डिस्टेंस है। तो क्या आता है बच्चों, थ्री लेस देन फाइव, कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है, यदि हमने किसको रिलैक्स करना है बच्चों, वी को, तो हमने
4 to 3। इसका मतलब क्या है जी कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 5 से लेस होके क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है जी बच्चों, उसके बाद हमने चेक करना है 4 to 6, 4 to 6, 5 - 1, लेस देन हमारे पास क्या है इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा 4, 4 लेस देन इन्फिनिटी, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो ये इन्फिनिट चेंज हो गया, कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया 5 to 7, 5 + 3 लेस देन हमारे पास क्या होनी चाहिए इन्फिनिट, तो 8 लेस देन इन्फिनिट है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी से क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारे पास एज रह गया वो क्या है 6 to 7, 6 क्या है 4 + 3 लेस देन 8, ये क्या बच्चा 7 < 8, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ 7 के साथ। अब आप देखो हमारे पास कौन सा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने कितने नंबर ऑफ रिलैक्सेशन यूज करनी है, हमने 5, इसका मतलब है 5 में से हमने एक रिलैक्सेशन यूज की तो बाकी कितनी रिमेनिंग रहेगी 5 रिलैक्सेशन रहेगी, फिर हमने चेक करना है जी बच्चों पार्ट 1 की रिलैक्सेशन का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमने इसको किस तरह से किया है। मैंने इसको साथ साथ इसलिए रेज कर दिया कि आपको ये ना जरा थोड़ा सा नीड पता चल जाए कि वैल्यूज एक्चुअली कौन कौन सी है, हमने इसको क्रॉस कर करके इसके ऊपर रीराइट नहीं किया वैल्यूज को। जी बेटा यहां तक चीजें समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब पार्ट 1 में फिर हमने नंबर ऑफ एजेस देखने 1 to 2। 1 to 2 क्या है कि बच्चे 0 + 6 लेस देन क्या है हमारे पास 3, तो देखो 6 < 3 नहीं है, इसका मतलब है नो चेंज, हमने चेंज नहीं करना। फिर देखो हमारे पास 1 to 3, 0 + 5 < हमारे पास 3, नो चेंज। ठीक है, 5 < 3 नो चेंज। उसके बाद देखो बच्चों 0 + 5 < हमारे पास क्या है 5, तो ये ऑलरेडी सेम वैल्यू है तो हमने इसको नो चेंज। ठीक है, अब इसका मतलब है 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4 नो चेंज। 2 to 5 चेक करते हैं, 2 to 5, 2 के 3 - 1 < 5, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 < 5, कंडीशन क्या है ट्रू है। अब जो 5 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी रिप्लेस होके कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, फिर हमने चेक करना है 3 to 2, 3 क्या है हमारे पास 3 है -2, आंसर क्या आ जाएगा 1। देखो अब ये देखो जो 1 है 3 - 2 < हमारे पास क्या है बेटा 3 है। ठीक है, तो क्या आएगा जी बच्चों, हमने लास्ट रिलैक्स किया है बेटा 3 to 4, तो हमने 4 to 3, तो 4 to 3 देखते हैं, 4 to 3 हमारे पास क्या है, हमने चले सेकंड पार्ट में दोबारा चेक कर लेते हैं, 3 to 5 हमारे पास क्या है जी 3 to 2, 3 to 2, 3 -1 जो आएगा वो -1 आ गया। फिर हमारे पास 3 to 5, 3 हमारे पास क्या है 3 + cos of 1 < हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है जी ये अभी हमारे पास ये नहीं आएगी वैल्यू, ये रिलैक्स नहीं होगा। इसके बाद बेटा 3 to 5 नहीं है, 4 to 3, 4 क्या है हमारे पास 5 है, 5 - 2 < क्या होना चाहिए 3, तो ये हमारे पास क्या आता है 5 - 2 = 3, 3 < 3 नो चेंज। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा 4 to 3 नहीं है, 4 to 6, 4 के 5, cos के -1 < क्या होनी चाहिए 4, तो 4 - 4 ये भी हमारे पास नो चेंज। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 5 to 7, 5 क्या है हमारे पास 2 + 3 < 7, ठीक है 5 - 7, कंडीशन क्या है बच्चों ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है जी ये cos क्या हो जाएगी 7 की बजाय 5 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही हमने चेक करना है
सिक्स टू सेवन, सिक्स के है मेरे पास कॉस के यू की फोर प्लस कॉस ऑफ यू एंड वी के थ्री, हमारे पास लेस देन फाइव, तो सेवन लेस देन फाइव कंडीशन फॉल्स है, नो चेंज। अब हमारे पास कितने पॉजिटिव हो गए बेटा, हमारे पास टू पॉजिटिव हो गए, तो ये फोर की बजाय अब हमारे पास क्या आ गया, फाइव की बजाय फोर, ठीक है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, थर्ड पास के अंदर दोबारा रिलैक्सेशन चेक करनी है, देखें जरा, वन टू टू हमारे पास जीरो प्लस सिक्स, ये हमारे पास लेस देन, नो चेंज, जीरो प्लस फाइव थ्री है, नो चेंज, जीरो प्लस फाइव यहाँ पे फाइव है, नो चेंज। अब टू टू फाइव, टू क्या है हमारे पास वन, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास टू टू फाइव, टू क्या है वन माइनस वन, ठीक है, लेस देन क्या होना चाहिए टू से, टू वन माइनस वन क्या जीरो, लेस देन टू, कंडीशन क्या है ट्रू है बच्चों, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि जी इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो हो जाएगी, अपडेट हो गई, टू टू फाइव फिर रिलैक्स हो गया थर्ड में। थ्री टू टू देखते हैं, थ्री क्या है, थ्री माइनस टू हमारे पास लेस देन क्या होना चाहिए वन, तो क्या है वन लेस देन वन, तो हमारे पास नो चेंज। इसी तरह ही हमारे पास चेक करते हैं थ्री टू फाइव, थ्री प्लस वन लेस देन हमारे पास जीरो, तो फोर लेस देन जीरो नहीं है, इसका मतलब है नो चेंज। इसी तरह ही हमारे पास देखो फोर टू थ्री, फोर के फाइव माइनस टू लेस देन थ्री, तो थ्री लेस देन थ्री, इसका मतलब है नो चेंज। फिर हमारे पास क्या है बेटा, फोर टू थ्री, फोर टू थ्री हमारे पास हो गया, उसके बाद हमारे पास है फोर टू सिक्स, फाइव माइनस वन लेस देन फोर, फोर लेस देन फोर नो चेंज, यानी कि अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू टू फाइव ही रिलैक्स हुआ है। फिर हमारे पास आ गया बेटा फोर टू थ्री नहीं है, फोर टू सिक्स नहीं है, इसी तरह हमारे पास फाइव टू सेवन, फाइव के जीरो प्लस थ्री लेस देन फाइव, तो देखो थ्री लेस देन क्या है फाइव, अब इसका मतलब क्या है हमें इसको रिलैक्स करना चाहिए, ये फाइव की बजाय अब क्या हो जाएगी सेवन की कॉस हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा थ्री आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब है कि जी हमारे पास फाइव टू सेवन भी रिलैक्स हो गया थर्ड पास के अंदर। जी बेटा यहां तक समझ आ रही है सबको, और लास्ट हमारे पास रह गए सिक्स टू सेवन, सिक्स के है फोर प्लस थ्री लेस देन थ्री, सेवन लेस देन थ्री हमारे पास है नहीं, इसका मतलब है के जी नो चेंज। अब हमारे पास क्या है के जी थर्ड पास भी कंप्लीट हो गया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग पास कितने रह गए थ्री, अब हम दोबारा चेक करते हैं, यानी कि थ्री हो गए फोर्थ पास पे चलते हैं, वन टू टू नहीं है, वन टू थ्री भी नहीं है, वन टू फोर भी नहीं है, फिर करते हैं टू टू फाइव चेक करते हैं, टू टू फाइव में देखो टू क्या है हमारे पास वन, ठीक है माइनस वन लेस देन जीरो, जीरो लेस देन जीरो नो चेंज, ठीक है टू टू थ्री टू टू हम फोर्थ पास की बात कर रहे हैं फोर्थ वन की, ठीक है तो अब हमारे पास देखें थ्री टू टू, थ्री के थ्री माइनस टू लेस देन वन, तो वन लेस देन वन नो, थ्री के थ्री प्लस वन लेस देन जीरो, फोर लेस देन जीरो कंडीशन फॉल्स है नो चेंज, फोर टू थ्री, फोर के फाइव माइनस टू लेस देन थ्री, थ्री लेस देन थ्री इसका मतलब है नो चेंज। अब हमारे पास क्या है बेटा थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव में हमारे पास देखो थ्री टू फाइव में क्या आ रहा है थ्री प्लस वन लेस देन जीरो, फोर लेस देन जीरो नो चेंज, ठीक है फिर हमारे पास है फोर टू थ्री, फोर टू थ्री फाइव माइनस टू थ्री, थ्री लेस देन थ्री नो चेंज, फोर टू सिक्स फाइव माइनस वन क्या आ जाएगा फोर, फोर लेस देन फोर नो चेंज, ठीक है अब क्या है कि फाइव टू सेवन, फाइव क्या है जीरो प्लस थ्री लेस देन थ्री, थ्री लेस देन थ्री ऑलरेडी थ्री है बेटर है कि जी हम यानी कि थ्री वैल्यू है तो नो चेंज, इसका मतलब है सिक्स टू सेवन चेक करते हैं, सिक्स टू सेवन पे हमारे पास क्या है कि जी हमारे पास सिक्स क्या है फोर प्लस थ्री लेस देन थ्री, सेवन लेस देन थ्री इसका मतलब है ये भी चेंज, क्या इस फोर्थ पास के अंदर कोई भी हमने एज जो है वो रिलैक्स किया है किसी वैल्यू को, बताओ जरा जल्दी से रिलैक्स हुआ बेटा, जी हाँ जी कोई बताएगा कि हमने फोर्थ जो पास पास के अंदर कोई हमने रिलैक्सेशन यूज किया है किसी भी एज के अंदर वर्टिसेस के अंदर, नहीं किया जी बच्चों बताओ जरा जल्दी से,
जी सहरीन बताएं जरा। जी बेटा, हमने कोई फोर पास के अंदर रिलैक्सेशन यूज की है? नो ओके, इसका मतलब है कि जी हमने फोर्थ पास देखा, हमने नंबर ऑफ एजेस के वैल्यूज को कैलकुलेट किया, हमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिली। अब इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं इन वर्टिसेस की, ये फाइनल वैल्यूज आ गई हैं। अब इन फाइनल वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखो 1 की कॉस्ट क्या आ गई? 0। 2 की कॉस्ट क्या है? 1। 3 की कॉस्ट क्या है? 3। 4 की कॉस्ट क्या है हमारे पास? 5। 5 की कॉस्ट क्या है हमारे पास? 0। एंड 6 की कॉस्ट है 4 और 7 की क्या है? 3। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल जो है, ये हमारे पास इन वर्टिसेस का जो है वो डिस्टेंस आ गया कि जी हमें 1 की कॉस्ट क्या है? 0 है। फिर हमारे पास 2 का क्या है? 1 है। एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं इन वर्टिसेस के डिस्टेंस की। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीजें समझ आ गई? यस सर। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका ड्रॉबैक को देखना है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। कि हमने इसका ड्रॉबैक कहा था कि जी अगर हमें किसी भी ग्राफ के अंदर कोई नेगेटिव वेटेड यानी कि साइकिल मिलता है जिसकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव वेट आती है, तो जी वो बेसिकली क्या, यहाँ पे देखो हमने नंबर ऑफ जो पाजिस फाइंड आउट किए थे वो क्या थे कि जी वर्टिसेस -1 यानी कि n-1, इतने हमारे पास नंबर ऑफ पाजिस थे। और अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ पाजिस थे तो इसके अंदर ही रिलैक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। अगर पाजिस के बाद यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ पाजिस कितने थे? 6 थे। अगर 6 के बाद मैं 7 वाले को भी चेक करता हूँ तो रिलैक्सेशन मिलती है, 8 वाले को भी चेक करता हूँ तो रिलैक्सेशन मिलती है। इसका मतलब क्या है जी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये ड्रॉबैक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राफ के अंदर जो हमें एक साइकिल मिल रहा है उसका जो वेट मिल रहा है वो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, जिसकी वजह से हर पास के ऊपर हमें कोई ना कोई एज जो है वो रिलैक्स मिल रहा है, उसके अंदर रिलैक्सेशन मिल रही है। तो हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि जी इसको किस तरह से करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो है वो एजिस नेगेटिवेटेड नहीं होंगे, और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर कोई एक साइकिल मिल जाए जिसमें वो हमें नेगेटिव वेट उस साइकिल का दे रहा है। इससे पहले हम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि जी इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी हमारे पास इसकी। तो इसका मतलब है कि हाउ मेनी एजेस आर देयर, हमारे पास कितने, हाउ मेनी एजेस आर देयर, हमारे पास ई यानी कि टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं, कितने एजेस थे हमारे पास? एन एजेस थे। और हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिलैक्सिंग, तो इसका मतलब क्या है कि जी हाउ मेनी एजेस आर देयर एंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिलैक्सिंग। तो ये क्या था बच्चों? वी माइनस वन टाइम हम रिलैक्स कर रहे थे, और ये हमारे पास क्या था? टोटल नंबर ऑफ एजेस थे। अब इसका मतलब क्या है जी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने? 7 है। और हम रिलैक्सेशन कितनी यूज कर रहे हैं कि जो वर्टिसेस -1 यानी कि हम उससे 1 लेस जो है वो रिलैक्सेशन यूज करते हैं। तो अगर ये मैं कह दूं कि n मेरे पास नंबर ऑफ एजेस है और n मेरे पास जो नंबर ऑफ रिलैक्सेशन थी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा? एजेस, और उसके बाद हमारे पास ये वर्टिसेस है जो रिलैक्सेशन, तो ये भी n को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी हमारे पास n वैल्यूज है। तो जो हमारे पास n कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये इतना टाइम ले रहा है इनको टोटल नंबर ऑफ एजेस को टोटल और उसके जो रिलैक्सेशन है इन सबको, वो जब जितने हमारे पास नंबर ऑफ एजेस ज्यादा होंगे उतना हमारे पास जो रिलैक्सेशन है वो प्रोसेस ज्यादा होगा। तो एजेस अगर हमारे पास एन है और रिलैक्सेशन भी एन है तो उसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है इनको रिलैक्स करने में। ठीक है बेटा, समझ आ गई? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस ऑर्डर को कि आप ऑर्डर ऑफ हमारे पास वर्टिसेस और हमारे पास नंबर ऑफ एजेस, तो ये वर्टिसेस एन है और एजेस भी एन है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपके पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है, मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो बेलमैन फोर्ड यूज करता है ये वर्टिसेस को रिलैक्स करने में। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक टाइम कम्प्लेक्सिटी की समझ आ गई? जी बेटा, तो जल्दी से बताएं, फिर इसके बाद एक और पॉइंट है हमारा, उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर।
ओके अब बेटा ये जो एन स्क्वायर है ना ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ एजेस के ऊपर। अब सपोज करो अगर मैं ये कह देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जो एजेस हैं के टोटल हाउ मेनी एजेस विल बी देयर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल हाउ मेनी एजेस विल बी देयर, उसका क्या है एन इंटू एन माइनस वन एजेस विल बी देयर अगर ओवर टू। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो डेफिनेटली आंसर क्या आता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर ये बात कह दी जाए कि जी जो एन स्क्वायर है वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एजेस एंड टोटल हाउ मेनी एजेस विल बी देयर, तो क्या है एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू। तो अगर आप इसको जस्टिफाई करते हो तो क्या आता है हमारे पास, यदि एजेस विल बी यानी कि एन इंटू एन माइनस वन एजेस विल बी देयर। अब इसका मतलब क्या है, इफ देयर मेनी एजेस आर देयर देन द टाइम विल बी, हमारे पास जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, यदि हमारे पास n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, तो टाइम क्या आ रहा है बेटा n इंटू एन माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन हमारे पास। अब ये जो n माइनस वन है ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस वन, यानी कि ये जितने एजेस थे वर्टिसेस क्या थे माइनस वन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब, आपके पास ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो ऑर्डर ऑफ जो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है ये बेसिकली क्या है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, जब हमारे पास ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है उसके वर्स्ट टाइम कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, और वैसे नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है उसको, एन स्क्वायर टाइम उसको लग रहा है। तो कहते हैं सो इन केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, अगर आपने कोई कंप्लीट ग्राफ की बात करनी है तो कहते हैं बेलमैन फोर्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स, अदरवाइज मिनिमम टाइम क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर होगा। तो कंप्लीट ग्राफ की फॉर्म में ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आएगा और अदरवाइज मिनिमम टाइम क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कब आएगा, जब ये कंप्लीट ग्राफ हो, अदरवाइज क्या आ जाएगा, मिनिमम क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और कंप्लीट ग्राफ के फॉर्म में के केस में क्या आएगा, एन क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, यहां तक टाइम कम्प्लेक्सिटी की समझ आ गई। अब हम इसका ड्रॉबैक के लिए एक एग्जांपल पकड़ते हैं, फिर इसको जरा देखते हैं कि कैसे उसके अंदर बेलमैन फोर्ड जो है वो हमें बता रहा है कि इसका ड्रॉबैक आ रहा है। जी बच्चों, चीजें समझ आ रही है? ओके अब इसके बाद एक बेटा ड्रॉबैक ऑफ बेलमैन फोर्ड, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से मैं रिकॉल करता हूँ मीटिंग को, तो फिर इंशाल्लाह आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे किसी ग्राफ के अंदर नेगेटिव वेट आ रहे हैं किसी साइकिल के अंदर। जी बेटा, अब हम एक एग्जांपल उसमें हम बेसिकली बेलमैन फोर्ड का ड्रॉबैक डिस्कस करते हैं कि जी किस तरह से ड्रॉबैक आता है, कि कैसे ग्राफ के अंदर हमें कोई एक साइकिल मिलता है जिसके अंदर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और वो आफ्टर यानी कि नंबर ऑफ पाजेस भी हमें वो रिलैक्सेशन दे रही है। ठीक है, तो उस पर देखते हैं, हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल फोर डिफरेंट एजेस हैं, हम उनको जरा डिस्कस करते हैं, फिर उसके ऊपर हम यही रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस देखते हैं। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे देखो बेटा के हमारे पास की फोर एजेस है, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ एजेस है, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, वन टू टू फोर है, टू टू थ्री माइनस वन है, वन टू टू फोर है, टू टू थ्री माइनस टेन है, थ्री टू फोर हमारे पास जो वैल्यू है वो थ्री है, एंड वन टू फोर हमारे पास वैल्यू फाइव है। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इनके एजेस को फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। इसको जरा बेटा टेबल लग गया, वन टू टू, वन टू टू, फिर हमारे पास है वन टू फोर, उसके बाद हमारे पास फोर टू, हमारे पास थ्री है, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो थ्री टू, हमारे पास टू है, थ्री टू टू, ये देखो। ठीक है, अब हमारे पास लिस्ट ऑफ एजिस रिलैक्सेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है वो हमारे पास, तो हमारे पास जो हम थ्री से शुरू करते हैं, तो हमारे पास देखो
थ्री टू टू, एक हमारे पास ये, हमारे पास एक आ जाएगा एच थ्री टू टू, उसके बाद हम फॉरवर्ड बैकवर्ड आते हैं फोर टू थ्री आते हैं, फिर वन टू फोर, फोर टू थ्री, वन टू फोर, ठीक है, वन टू फोर एंड वन टू टू, हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ एजेस है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं बेटा, फोर। हमारे पास नंबर ऑफ रिलैक्सेशन कितनी आएगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है फोर, माइनस वन, फोर माइनस वन, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इतने नंबर ऑफ रिलैक्सेशन है हमने यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास देखो जरा रिलैक्सेशन में, ये हमारे पास अगर सपोज कर लो सोर्स वर्टेक्स है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, तो हम इनिशियली क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यू को हम इन्फिनिट रख लेते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पाथ वन, पाथ वन में हमें रिलैक्सेशन देखनी है। अब हमारे पास क्या है, ये यू है और ये क्या है, वी है, कॉस्ट ऑफ यू क्या है हमारे पास जीरो, प्लस कॉस्ट ऑफ यू एंड वी हमारे पास क्या आ रही है फोर, लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जी यहाँ हम यहाँ से शुरू कर देते हैं थ्री टू टू, थ्री टू टू, थ्री हमारे पास क्या है बेटा, कॉस क्या है इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस माइनस टेन, लेस देन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है जी इन्फिनिटी में से माइनस करोगे टेन तो भी इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, इसका मतलब है नो चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब है फोर टू थ्री चेक करते हैं, फोर क्या है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस प्लस थ्री, इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, नो चेंज। वन टू फोर, वन टू फोर पे हम देखते हैं, वन हमारे पास क्या है बेटा जीरो प्लस फोर, लेस देन इन्फिनिटी, फोर लेस देन इन्फिनिटी कंडीशन ट्रू है, तो ये बेटा इन्फिनिटी रिप्लेस हो गई इस पे जाके हमारे पास फोर से, तो इसका मतलब है वन टू फोर रिलैक्स हो गया, ठीक है, पास वन के अंदर। अब हमने चेक करना है वन टू टू, वन टू टू हमारे पास हो गया, अब हमने वन टू फोर को देखते हैं जरा, वन टू फोर की जो हमारे पास कॉस्ट है वो क्या है, फाइव है, जीरो प्लस फाइव लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, फाइव लेस देन इन्फिनिटी कंडीशन ट्रू है, तो ये जो इन्फिनिटी है ये किस पर प्लेस हो जाएगी, फाइव से, इसका मतलब हमारे पास रिलैक्स हो गया, ठीक है बेटा, ये पास वन कंप्लीट हो गया। अब कितने पासेस रह गए हमारे पास, रिमेनिंग टू पासेस रह गए, ठीक है, समझ आ रही है बेटा जी बच्चों? यस सर। ओके, फिर चेक करते हैं थ्री टू टू, थ्री हमारे पास क्या है इन्फिनिट, माइनस टेन इन्फिनिटी है, लेस देन फोर, ये इन्फिनिटी लेस देन फोर नहीं है, नो चेंज, ठीक है, अब हमारे पास ये चेंज नहीं हुआ। फिर हम चेक करते हैं फोर टू थ्री, फोर क्या है फाइव प्लस थ्री, एट लेस देन इन्फिनिटी डेफिनेटली, तो ये वैल्यू इसकी चेंज हो गई किसके साथ, एट के साथ, यानी कि फोर टू थ्री रिलैक्स हो गया सेकेंड पास के अंदर। वन टू फोर, जीरो प्लस फाइव, फाइव लेस देन फाइव, नो चेंज। वन टू टू, जीरो प्लस फोर लेस देन फोर, नो चेंज। इसका मतलब है कि सेकंड पास में एक रिलैक्सेशन मिली है। थर्ड पास की बात करते हैं, तो थर्ड पास में हमारे पास देखो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास यहाँ पे थ्री टू टू, थ्री टू टू, एट माइनस टेन, आंसर क्या है टू, टू लेस देन फोर, टू डेफिनेटली लेस देन फोर है, कंडीशन क्या है बेटा ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू, माइनस टू, तो यहाँ पे हमारे पास थ्री टू टू फोर की बजाय यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू आ जाएगी। अब फोर टू थ्री, फोर के फाइव प्लस थ्री, एट लेस देन एट, नो चेंज। वन टू फोर, जीरो प्लस फोर, हमारे पास क्या आ गया, फोर लेस देन माइनस टू, कंडीशन फॉल्स है, नो चेंज। वन टू टू, वन टू टू हमारे पास हो गया वन टू फोर, जीरो प्लस फाइव, नो चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास थर्ड पे जाके सिर्फ क्या हुआ कि जी एक रिलैक्सेशन आई। फोर्थ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर तो फोर्थ पे रिलैक्सेशन हुई तो इसका मतलब क्या है, कोई ड्रॉबैक है, तो यहाँ पे देखो थ्री टू टू, थ्री क्या एट माइनस टेन, माइनस टू लेस देन माइनस टू, नो चेंज। फोर टू थ्री, फाइव प्लस थ्री एट, लेस देन एट, नो चेंज। वन टू फोर, वन टू फोर, जीरो प्लस फाइव, फाइव, नो चेंज। वन टू टू, जीरो प्लस फोर, लेस देन माइनस टू, नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि फोर पास में भी हमें चेंज नहीं मिली, इसका मतलब है कि इसके अंदर नेगेटिव वेट नहीं एग्जिस्ट करता। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम जस्ट फॉर जस्ट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक और
एज लगा देते हैं, मैं कहता हूँ जी 2 to 4 में लगा देता हूँ और इसकी कॉस्ट -5 रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एज क्या ऐड हो गया, यहाँ पे 2 to 4, यहाँ पे 2 to 4 भी मैंने ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास पाजेस कितने हैं, पाजेस तो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 कितने, 3 पाजेस भी आएंगे। अब हम रिलैक्सेशन देखते हैं जरा, तो 0 से ऑनवर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। अब इसमें आपको ड्रॉबैक नजर आएगा क्योंकि नेगेटिव वेटेड साइकिल एक मिलेगा जिसके अंदर हमें उस साइकिल का जो वेट है वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। अगर किसी ग्राफ में ऐसा साइकिल मिलता है जिसका वेट नेगेटिव वैल्यू आता है तो वो नंबर ऑफ पाजेस के बियॉन्ड यानी कि उसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन देता है, जो बेलमैन कोड का ड्रॉबैक है कि अगर हमने पाजेस फाइंड करनी है तो उसके बाद हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो जाहिर बात है फिर ऐसा कोई ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है जिसका वेट क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, जिसकी वजह से पाजेस के बाद भी हमें रिलैक्सेशन प्रोसेस मिल रहा होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गए। अब इसको हम जरा देखते हैं पार्ट वन में हमारे पास है 3 to 2 हमारे पास क्या है बेटा, इन्फिनिट माइनस का इन्फिनिट लेस देन इन्फिनिट नो चेंज, 4 to 3 इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी नो चेंज, 1 to 4 0 प्लस 5 लेस देन इन्फिनिटी डेफिनेटली ये लेस है तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 1 to 2 क्या है, 0 प्लस 4 लेस देन इन्फिनिटी डेफिनेटली ये चेंज होके क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर हमारे पास है 2 to 4 देखो 4 माइनस 5 माइनस 1 लेस देन हमारे पास क्या है बेटा, 5 है। इसका मतलब है कि अगर ये लेस देन 5 है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ये 2 to 4 की। यहाँ पे आप देखो 4 माइनस 5 तो माइनस 5 को हमारे पास सॉरी माइनस ना रखो, इसको पॉजिटिव वैल्यू ले, 4 प्लस 5 क्या आ जाएगी, 9 लेस देन 4, इसका मतलब है कि जी 9 लेस देन 4 5 तो नहीं है, इसका मतलब है नो चेंज। पार्ट वन कंप्लीट हो गया, पार्ट टू चेक करते हैं। पार्ट टू पे हमारे पास देखो 3 to 2 इन्फिनिट माइनस 10 इन्फिनिट लेस देन 4, इसका मतलब क्या है जी कि इन्फिनिटी तो लेस देन 4 नहीं है, नो चेंज। 4 to 3 देखो 5 plus 3 क्या हो गया बेटा, 8 लेस देन इन्फिनिटी यस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 8 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो 1 to 2 में आप देखो 1 क्या है हमारे पास, 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 4 लेस देन 4 नो चेंज, 1 to 4 देखते हैं, 0 प्लस 5 आ जाएगा नो चेंज, 1 to 2 0 प्लस 4 आ जाएगा नो चेंज, 2 to 4 2 क्या है हमारे पास, 4 प्लस 5 क्या आएगा, 9 9 लेस देन 5 है नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है। पार्ट थ्री में देखते हैं 3 to 2 क्या है बेटा, 8 माइनस 10 क्या आ गया, माइनस टू लेस देन फोर है, डेफिनेटली लेस देन है, इसका मतलब है ये वैल्यू चेंज होकर क्या आ जाएगी, -2। एक रिलैक्सेशन मिल गई यानी कि हमें लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर क्या मिल गया, एक रिलैक्सेशन। 4 to 3 देखो 5 plus 3 8 लेस देन 8 नो चेंज, 1 to 4 1 के 0 प्लस 5 नो चेंज, 1 to 2 0 प्लस 4 ठीक है, 4 लेस देन -2 नो चेंज, 2 to 4 देखो -2 प्लस क्या आ जाएगा बेटा, 5 लेस देन हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 तो क्या आ गया बेटा, जब इसको फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 3 लेस देन 5, डेफिनेटली 3 लेस देन 5 है, इसका मतलब है कि 5 की वैल्यू रिप्लेस होके क्या आ जाएगी, 3। तो थर्ड हमारे पास पार्ट में भी हमें एक रिलैक्सेशन मिल गई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, हम फोर्थ पार्ट जरा वेरीफाई करके देखें जरा, अगर तो वहां पे रिलैक्सेशन मिलती है इसका मतलब है ग्राफ के अंदर कोई ऐसा साइकिल भी पड़ा है जिसका वेट क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे देखो थर्ड से फोर्थ पार्ट पे चला गया, थर्ड हमारे कंप्लीट हो गए अकॉर्डिंग टू बेलमैन कोड, जितने पासेस हमें गिवन थे हमने उसको चेक कर लिया है, हमें थर्ड में भी रिलैक्सेशन मिली है, अब फोर्थ में चेक करना चाह रहे हैं। देखो 3 to 2 3 क्या है, 8 माइनस 10 क्या आ जाएगा, -2 लेस देन -2 नो चेंज, ठीक है 4 to 3। अब आप देखो जब हम 4 to 3 करेंगे तो 4 to 3 में हमारे पास देखो 4 क्या है, 3 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 3 लेस देन 8
सिक्स लेस देन एट। अब आप देखो कंडीशन ट्रू हो गई, ये सिक्स प्लेस हो गया किसके साथ, एट के साथ। अब आप देखो ये फोर्थ पास के अंदर ऐसा होना चाहिए था, बताएं जरा मुझे। बाजिस तो हमारे पास क्या आ रहे थे, थ्री थे। फोर्थ में भी हमें क्या मिल गई, रिलैक्सेशन मिल गई। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ में रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए थी। जी बेटा समझ आ रही है अब आप लोगों को, फोर्थ में रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए थी, ऐसा ही। जी बच्चों शेयर यार समझ आ रही है बेटा, यस सर नहीं मिलना चाहिए था ना। इसका मतलब क्या है, अब हमें कोई साइकिल देखना है तो देखो फोर टू थ्री है, जिसका मतलब है कि ये वाला एक साइकिल मुझे मिल रहा है जिसमें आप देखो टू थ्री एंड फोर। इसके कॉस्ट वेरीफाई करते हैं, टू टू थ्री टू टू माइनस टेन है, टू टू फोर फाइव है, और फाइव टू फोर टू थ्री क्या है, थ्री है। तो यहाँ पे आप देखो यदि हमारे पास क्या आ रहा है, इस साइकिल की फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री माइनस टेन, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस टू। अब आप देखो ये वो साइकिल है इस ग्राफ के अंदर जो हमें जो वेट दे रहा है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर एक ऐसा साइकिल एग्जिस्ट करता है जिसका वेट माइनस वैल्यू आ रही है, जिसकी वजह से जो हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव बेलमैन फोर्स से मिल रहे थे उसके बाद भी हमें उन पॉजिटिव से रिलैक्सेशन मिल रही है। ये सबसे बड़ा क्या है, इसका ड्रॉबैक है। तो इसके बाद जो हमारे पास साइकिल है ये नेगेटिव वेटेड साइकिल है, जिसकी वजह से जो हमारे रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो पॉजिटिव के बाद भी मिल रहे हैं। यानी क्या हुआ, नेक्स्ट भी इसको चेक करो, देखो फोर्थ में भी मिला, हम फिफ्थ में भी चेक करते हैं। देखो थ्री टू टू, थ्री टू टू हमारे पास क्या है, सिक्स माइनस क्या आ जाएगा बेटा, टेन। तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर, माइनस फोर डेफिनेटली लेस देन माइनस टू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फोर। इसका मतलब है आपको फिफ्थ पे भी रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको सिक्स पे भी रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको सेवन पे भी मिलेगी, और अंटिल अनलेस आपको जब तक ये साइकिल चलता रहेगा आपको नंबर ऑफ रिलैक्सेशन मिलती रहेगी। यही बेलमैन फोर्ड का ड्रॉबैक है कि जी अगर किसी ग्राफ, गिवन ग्राफ के अंदर कोई एक ऐसा साइकिल मिल जाए जिसकी वैल्यू नेगेटिव वेट आ जाए, तो आफ्टर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव हैं जो गिवन होते हैं या जो हम फाइंड आउट करते हैं बेलमैन फोर्स से, उसके बाद भी रिलैक्सेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बेलमैन फोर्स का। जी बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आज डिस्कस किया था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग बेलमैन फोर्स एल्गोरिथम, हम नेक्स्ट हम करेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।